दसना चाहना उन्हां नूं आ मीडिया राही कि पंजाब नूं मैं किन्ना प्यार करदा, पंजाबीयत नूं मैं किन्ना प्यार करदा, पंजाब दी मिट्टी नूं मैं किन्ना प्यार करदा। मैनू किसे ऐरे गैरे नथू खैरे तो एनओसी लैण दी लोड़ नहीं हैगी। मैं सीधा कहना राजा वड़िंग बिक्रमजीत मजीठिया जिन्होंने कल सवाल उठाए ने, एक दो होर ने शर्त ला के महीने का टाइम दे देने, पंजाबी का पेपर लिखती तौर पर 50% नहीं 45% क्लीयर करके दिखा देना, मैं मान लूंगा। वो मैं जानता जनाब इन्हों, मैं जानता इन्होंने टब्बर, वो टब्बर जो जलियांवाले बाग के कातलों नाल महफलां लाते रहे उस दिन जिस दिन 1000 तो वध बंदे नूं गोलियां नाल भुन्निया ते 3000 तो वध बंदे नूं जख्मी किया, तो उस दिन उन्होंने डिनर कराते रहे, वो सानू पंजाब दीआं वफादारियां सिखाउणगे। यार हद है, मैं इन्हां नाल ही रहा। वो जिहड़े वित्त मंत्री साढ़े खाली खजाने वाले वित्त मंत्री, पंजाबी दा अखबार मैं पढ़ के सुनाउंदा रहा उन्हां नूं, आउंदे ही नहीं क्योंकि ना सनावर च पंजाबी सब्जेक्ट है ना दून पब्लिक स्कूल च पंजाबी सब्जेक्ट है ना किसे होर पहाड़ दे स्कूल च सब्जेक्ट जिहड़ा है वह पंजाबी दा। तो सानू पंजाब नाल प्यार करना सिखाउणगे यार। लिटल नॉलेज, अंग्रेजी की कहावत है लिटल नॉलेज इज टू डेंजरस, घट जानकारी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अं चक कुछ भी पा देंगे ने, सवेरे नुक्स कढ़ना है। कोई आंध्रा प्रदेश का पता नहीं कितों का कोई MP सी, उन्हें प्राइवेट सिक्योरिटी ली, हूँ प्राइवेट सिक्योरिटी वाली कंपनियां ने पंजाबी भी भर्ती किए हुए हैं, वो काले कपड़े पाए हुए उन्होंने कमांडो वाले जिमें पग्गा बनिया हुई, वीडियो पाती आ देखो जी पता नहीं कौन है यह, भगवंत मान ने पंजाब तो सिक्योरिटी देती, बाद च पता लगे वो तो प्राइवेट सिक्योरिटी है। पता तो कर लिया करो, मेरे च नुक्स कढ़न तो पहला पूरी गल तो सुन लिया करो। ये वो गल हो गई, एक बंदा सी वो कहिंदा किसे दूजे बंदे नूं कहिंदा यार गुरदेव मेरी मज बीमार हो गई कल दी, गाली तो करती है पर झग जी आउंदी है, तेरी भी मज बीमार हुई सी तू की दिता सी, वो कहिंदा मैं तारे मीरे का तेल दिता सी। इन्ना सुन के भज गया वो बंदा, कहिंदा एक बार सुरता लै, कहिंदा नहीं नहीं पहला मैं यही काम कर ला, उन्हें जाके अपनी मज नूं तारे मीरे का तेल देता, मज मर गई। अगले दिन फिर मिलिया गुरदेव नूं, कहिंदा यार गुरदेव तू कल मैनू ऐ कहा सी भी तारे मीरे का तेल दिता सी जो तेरी मज बीमार हुई सी, मैं भी देता मेरी तो यार मज मर गई। वो गुरदेव कहिंदा तैं मेरी पूरी गल नहीं सुनी, मेरी भी मर गई सी, पूरी गल तो सुन जाता चक के जदों मर्जी छोटा जा मौका मिले भगवंत मान के खिलाफ पा दो पोस्ट, कहिंदे G20 नहीं हो रहा अमृतसर च, यार कितों नहीं हो रहा, मेरे को इनफॉर्मेशन नहीं, बाद च उन्होंने दस्या कि हो रहा है, अच्छा जी कहिंदे गलती है। इन्ने काले ने नुक्स कढ़न च ना, मतलब थानू जिन्होंने थानू नौकरियां नहीं दित्तियां वो तुहाडियां नौकरियां देण ते इतराज कर दे, कोई 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 तुक बनती है जी। अज 560 आने वाले दिनों च 1700 तो उपर कांस्टेबलों की भर्ती हो, तैयारियां करी जांदे आ मुंडे, पौने 3 लाख एप्लीकेशन आ चुकी ने, ग्राउंड च तैयारी कर रहे हैं फिजिकल टेस्ट की। जे नीयत साफ होवे सब कुछ हो सकता है, पर नीयत साफ ही है नहीं, आप कुछ करना नहीं, जे करना तो हिस्सा मंगना है, मेरा किन्ना हिस्सा है च, अज वाले मिला के 35,848 सरकारी नौकरियां हो गई जी, 1.5 साल होया नहीं अजे। मेरा एक दोस्त है मानसा जिले चो जो पिंड है, वह मैं कल फोन आया कहिंदा सारी पंचायत बैठी है जी, धन्यवाद करना, मैं कादा
कहिंदा जी 75 साल हो गए, साडा छोटे जिहा पिंड है, 1200-1300 वोट है, छोटा जिहा पिंड है, 75 साल च साडे पिंडों एक भी सरकारी मुलाजम नहीं सी। साडे पिंड दा एक भी बंदा सरकारी मुलाजम नहीं। कहिंदा जी कल नूं थोड़ा फंक्शन है पीएपी च, एक मुंडा साडा सब इंस्पैक्टर साढ़े पिंड का मुंडा चुनिया गया, तो हुण उहनूं मिला के तुहाडी सरकार दे विच पांच बंदे साढ़े पांच मुलाजम हो गए जी, साढ़े कल्ले पिंड दे, एक छोटे जे पिंड दे। कहूं तो मैं उस पिंड का नाम भी दस दूंगा। कल मैनू कोई आया मैसेज, कहिंदे जी भगवंत मान पंजाब नाल गदारी कर रहा है, ये तो जी हरियाणे तो ते राजस्थान तो भर्ती कर रहे हैं। तुसी मैनू ये दसो 95 ये अपने मुल्क का कानून है, पेपर दो उस स्टेट का जिहड़ा कानून है उसके मुताबिक लैंग्वेज का पेपर भी होगा, पंजाबी का पेपर दो, पेपर सारे दे सकते ने, अगे मैरिट के बेस ते है। 95% पंजाबी ने अज वाले जिहड़े भर्ती हो रहे ने, जिहड़े 5% ने उन्हां चों भी 2.5-3% पंजाब च ही रहिंदे आ, पर परमानेंट एड्रैस शायद हरियाणे का होवे, 31 हरियाणे दे ने, 4 राजस्थान दे ने, पर वह भी पंजाबी परिवार ने, वह भी पंजाबी ने, इत्थे बैठे होणे, इत्थे बैठे होणे डीजीपी साहब ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 95% ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ, ਵਧਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਰੱਖ ਲਏ, ਲਓ ਜੀ ਉੱਧਰੋਂ ਰੱਖ ਲਏ। ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਗੰਗਾਨਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੀ ਬੰਗਾ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਏਰੀਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਗਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਨੱਥੂ ਖੈਰੇ ਤੋਂ NOC ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।